मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको मिले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर मोनी दीपा। गुड मॉर्निंग। और आज है थर्सडे, मतलब 24 अक्टूबर, और आप देख सकते हैं झारखंड में बारिश हो रही है और कंटिन्यूस बारिश हो रही है। दो दिन से इतनी बारिश हो रही है, मतलब कंटिन्यूस हो रही है, 5 मिनट भी रुक नहीं रही है, मतलब थोड़ी ज़्यादा कभी कम, लेकिन इस तरह से हो रही है। और सोच रही हूँ कि थोड़ा सा बाहर जाऊँ क्योंकि दिवाली बस 2 दिन बचे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा बहुत सामान लाना था तो ले आऊँगी। बट बारिश ऐसी हो रही है कि थोड़े से भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आप देख सकते हैं पूरा ये जो मेरा पोचाड़ा करवाना था, ग्रीन ग्रीन हो गया है पूरा गार्डन में मेरा, तो वो भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि बारिश रुके तब तो कुछ करवाएं। तो करवाना था मुझे थोड़ा सा, और आप देख सकते हैं पूरा गार्डन में काई हो गया है। तो मैं घर की सफाई का काम कर रही हूँ। आज मुझे ये शोकेस क्लीन करना था। आप देख सकते हैं शोकेस के अंदर पूरा डस्ट हो गया है क्योंकि दुर्गा पूजा में मैंने थोड़ा सा क्लीन किया था इसको, लेकिन बहुत अच्छे से निकाल के डीप क्लीनिंग नहीं की थी मैंने। तो अभी दिवाली है तो मैं सोच रही हूँ कि इसको क्लीन कर दूँ क्योंकि बाहर का काम तो कुछ हो नहीं रहा है बारिश की वजह से, तो घर का थोड़ा बहुत क्लीनिंग करना है। और क्लीनिंग पहले ही करती लेकिन मैं क्या करूँ, बैंगलोर चली गई थी रिया को छोड़ने, और आने के बाद 2-3 दिन मैं रेस्ट ले रही थी क्योंकि बिल्कुल कुछ मन नहीं कर रहा था रिया को छोड़ के आने के बाद कि कुछ करूँ या फिर दिवाली की तैयारी करूँ। मन ख़राब हो गया था थोड़ा सा, तो इस वजह से नहीं कर रही थी। और अभी कोई उपाय नहीं है, 2 दिन बचे हैं दिवाली में, तो मैं आज कर रही हूँ क्लीनिंग और बस सब कुछ निकाल के अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी क्योंकि दिवाली का सफाई का मतलब है, होता ही है कि डीप क्लीनिंग करना, पूरे घर की सफाई की जाती है। बट दुर्गा पूजा में मैंने थोड़ा बहुत किया था तो उतना ज़्यादा तो नहीं करूँगी, लेकिन डीप क्लीनिंग दुर्गा पूजा में भी नहीं हुई थी तो इसीलिए मैं सब कुछ निकाल के अच्छे से क्लीनिंग करूँगी। और इस बार मैं इसमें इस तरह की पेपर यूज़ करूँगी। मैंने ये गोल्डन वाला पेपर लाया है और एक तरफ इस तरह से वाइट है, तो ये पेपर भी बहुत टिकाऊ होता है, बहुत दिन तक रहता है। तो थोड़ा सा साइन पेपर ही मैं लगाती हूँ शोकेस में, तो ये वाला लगा रही हूँ इस बार, प्लास्टिक वाला नहीं लगा रही हूँ, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो ये गोल्डन वाला लगाऊँगी अभी। और मेरा शोकेस पूरी तरह से क्लीन हो गया है, मैंने इसे अच्छे से सजा भी दिया है, तो बस एक काम कंप्लीट हो गया आज। और अभी शाम का टाइम हो रहा है और अभी मैं किचन क्लीनिंग के लिए आई हुई हूँ
यहाँ पे मैंने यहाँ बर्तन रखने वाला जो है उसको वॉश कर दिया है और सारा बर्तन वगैरह यहाँ रखा हुआ है मेरा, आप देख सकते हैं। किचन मेरा मैसी है और यहाँ पे इसको अच्छे से क्लीन करके थोड़ा देर के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया है। तब तक मैं ये सारा रैक वगैरह क्लीन करके और पेपर चेंज करूँगी, क्योंकि दिवाली के टाइम मैं रैक का पेपर चेंज करती हूँ। और ये जो सारे मैं पेपर लगाती हूँ ये पूरे साल भर रह जाते हैं, क्योंकि मैं प्लास्टिक कोटेड पेपर लगाती हूँ और इसमें बस गीले कपड़े से पोंछ देने से साफ़ हो जाते हैं। तो जब मैं दिवाली में चेंज करती हूँ तो वो वाला पेपर मेरा साल भर चल जाता है आराम से। और सबसे पहले मैं इस तरह से क्लीन कर रही हूँ, थोड़ा बहुत जाला वगैरह हो गया है। ऐसे दुर्गा पूजा के टाइम मैंने किचन क्लीन किया था, बहुत अच्छे से नहीं किया था, ऊपर ऊपर से किया था लेकिन किया था। तो जाला वगैरह नहीं है अभी मेरे किचन में, बस मुझे पेपर वगैरह चेंज करना है। यूज़ कर रही हूँ किचन में लगाने के लिए ये वाला पेपर, ये जो है ये प्लास्टिक कोटेड पेपर है और इसमें मैं गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ तो ये साफ़ हो जाता है और साल भर मेरे जो रैक होते हैं उसमें यही लगा रहता है। तो मैं इस बार ये वाला डिज़ाइन लेकर आई हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा टाइल्स वाला लुक देता है और प्लास्टिक का है तो सफाई में भी झंझट नहीं लगता। थोड़ा सा गीले कपड़े से पोंछ देने से ये चमक जाता है। ये थोड़ा सा मोटा वाला पेपर होता है तो ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ किचन कवर में। यही वाला पेपर मेरा पहले भी था जो कि साल भर चला और फिर से मैं यही यूज़ कर रही हूँ। गुड इवनिंग, और अभी शाम के 7 बज रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं थोड़ा सा बाहर क्योंकि आज है धनतेरस। तो आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और क्या क्या कर दूंगी वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं खरीदना है, देखते हैं मार्केट में क्या क्या नया आया है और क्या लूँगी ये भी डिसाइडेड नहीं है, वहाँ जाकर ही देखूँगी क्या लूँगी। और मेरे जो बाल है वो गीला है क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले ही हेयर वॉश करके निकली हूँ तो थोड़ा सा गीला बाल है इसलिए मैंने खुला बाल रखा है। और अभी जा रही हूँ, थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही थी इसलिए मैंने शक डाल लिया है ऊपर से क्योंकि लेट से नहाई हूँ और क्लीनिंग वगैरह का काम थोड़ा सा बाकी था तो वो कर रही थी बस। तो चलिए चलते हैं मार्केट और देखते हैं किस तरह से सजा है दिवाली का मार्केट। आज ही बारिश रुकी है, कंटिन्यूअस 3 दिन से बारिश हो रही थी, मतलब थोड़ा सा 5 मिनट के लिए भी बारिश नहीं रुक रही थी। तो आज रुका है बारिश और अभी थोड़ा सा ठीक है, बारिश नहीं हो रही है तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट। तो चलिए चलते हैं। पूरा जो गार्डन है मेरा गीला है, अभी अभी बारिश रुकी है और हम लोग निकल रहे हैं।
और मॉल के बाद हम लोग थोड़ा सा ऐसे ही मार्केट गए हैं मूर्ति वगैरह लेने के लिए, क्योंकि हम लोग धनतेरस के दिन ही मूर्तियाँ खरीदते हैं पूजा के लिए। तो गणपति पापा और लक्ष्मी माँ की मूर्ति लेंगे हम, तो इसलिए हम लोग मूर्ति खरीद रहे हैं और ये वाली मूर्ति हम लोगों को अच्छी लगी है, यही लेने वाले हैं। और मार्केट में बिल्कुल भी रौनक नहीं है, आप देख सकते हैं पूरा मार्केट खाली खाली है, क्योंकि बारिश हुई थी, आप देख सकते हैं ज़मीन गीला भी है। और मार्केट तो है बट मार्केट में लोग नहीं हैं ज़्यादा, दो चार लोग ही दिख रहे थे, तो रौनक बिल्कुल नहीं है इस बार दिवाली मार्केट का। हो सकता है कि कल भी अगर बारिश रुकी रही और धूप निकली तो कल हो सकता है कि छोटी दिवाली के दिन मार्केट में भीड़ हो, बट आज तो बिल्कुल खाली खाली मार्केट है। तो मैं यहाँ पर पूजा की जो ज़रूरी सामान होते हैं वो सारे ले रही हूँ। और मैं लेकर आई हूँ ये छोटा सा लालटेन, और ये एक्चुअली एक लाइट है, यहाँ से इसका स्विच है और यहाँ से ऑन करने से रेड कलर का लाइट जलता है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा तो मैंने ये लिया है, और ये कीरिंग जैसा है, यहाँ लटकन टांग सकते हैं आप कहीं पे, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा छोटा सा लालटेन। और मैं लेकर आई हूँ धनतेरस में मेटल खरीदते हैं, तो मैंने ये पीतल का दिया लिया है छोटा सा फ्लावर डिज़ाइन का, और ये छोटी सी थाली है जो कि भगवान जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए मैंने लिया है, और ये डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत है। दोनों का सेट था तो ये दोनों मैंने लिया है धनतेरस पे। और मैं लेकर आई हूँ मॉल से ये थाली, ये इस तरह से है, ये बाय वन गेट टू करके था, 240 में तीन थाली था, बिग बाज़ार से लिया है मैंने, तो ये ऑफ़र था तो मैंने ये थाली लिया है तीन पीस। और मैं लेकर आई हूँ एक कुर्ती, ये इस तरह की कुर्ती है, ये प्योर कॉटन की कुर्ती है, तो मुझे दिवाली में पहनने के लिए कुछ चाहिए था तो मैंने ये लिया है। ये रेड मरून कलर की कुर्ती है जिसपे गोल्डन कलर का वर्क है, और इसकी जो MRP है ये 599 की है, यह है। और मैं लेकर आई हूँ इस तरह से कैंडल दिया, ये जो है ये 260 रुपीज़ की थी, तो ये एक खरीदने पे दो फ्री थी, मतलब 260 रुपीज़ में ये तीन मिला है मुझे इस तरह से, तो काफ़ी इसके अंदर क्वांटिटी है कैंडल दिया की, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये परचेस किया है बिग बाज़ार से, तो ये काफ़ी सारा दिया हो गया है मेरे पास। और मैं लेकर आई हूँ ये सोन पापड़ी, इस पर भी ऑफर था, एक के साथ एक फ्री था, तो ये लिया है मैंने, तो सोन पापड़ी भी लाई हूँ, और इसकी जो MRP है ये थी 180 रुपीज़ की है ये, तो 99 का पड़ा है एक, तो 180 में दो सोन पापड़ी। और मैं लेकर आई हूँ ये एक हेयर बैंड है जो कि अभी खूब चला हुआ है ये, तो ये वाला हेयर बैंड ले आई हूँ मैं, और ये है 79 MRP की, और ये रिया के लिए लाई हूँ, रिया यहाँ पर नहीं है, बेंगलोर में है, बट वो जब आएगी तब मैं उसे दूंगी, उसको मैंने पिक्चर सेंड किया, उसको बहुत अच्छा लगा, ये ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन में है तो उसको अच्छा लगा तो मैंने उसके लिए लिया है ये। और मैं लेकर आई हूँ ये टी शर्ट रोहित के लिए, ये इस तरह से है टी शर्ट, और इसकी जो MRP है वो 399 है, और ये टी शर्ट जो है बहुत अच्छा लगा रोहित को तो मैंने उसके लिए लिया है दिवाली में पहनने के लिए। और ये सैंडल लेकर आई हूँ मैं किशन के लिए, ये जो है ये बिग बाज़ार का नहीं है, ये बाटा का है,
तो ये किशन के लिए लाया है, इस तरह से है। ये नेवी ब्लू कलर का है और उस पे ये रेड का थोड़ा बहुत इस तरह से काम किया हुआ है, तो ये वाला किशन के लिए है। और इस तरह से मेरा घर रेडी हो चुका है दिवाली के लिए। मेरे घर में बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस तो मैंने नहीं किया है, जस्ट थोड़ा बहुत इधर उधर किया है सामान, लेकिन हाँ क्लीनिंग हो चुकी है मेरी। और इस तरह से डेकोरेट किया है मैंने दिवाली पे अपने घर को, थोड़ी बहुत लाइट से सजावट की है। तो इस तरह से है, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए किस तरह से लगा मेरे घर का डेकोरेशन दिवाली का। और यहाँ डाइनिंग स्पेस पे मैंने यहाँ पे चेंज किया है थोड़ा सा कलर, यहाँ वाइट कर दिया है जो कि पिंक कलर का ही था। और यहाँ पे था एक पोस्टर फ्रूट का, उसको हटा के ये वॉल हैंगिंग टांगा हुआ है, एक फ़ोटो जिसमें कि राधा कृष्ण जी हैं, और थोड़ा सा वॉल हैंगिंग को इधर उधर किया है। और बस थोड़ा सा डेकोरेट करने की कोशिश की है। यहाँ पे एक लगाया है आर्टिफिशियल कैंडल जो कि यहीं पर रहता है, तो थोड़ा सा दिवाली फील लाने के लिए। तो इस तरह से रहा मेरा आज का ये ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आपने इन्जॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।